तो गाइस टाइगर 3 और एनिमल के टीजर के बाद आज गणपत मूवी का भी टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें आपको टाइगर श्रॉफ, कीर्ति सैनन और अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे। मूवी बेस्ड है आज से 50 साल बाद के फ्यूचर में, जो कि डिस्टोपियन फ्यूचर इसको बोला जा रहा है, यानी कि 2070 में मूवी बेस्ड होगी। और जैसा कि डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया गया है तो दोनों ही चीजें दिखाई गई है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्निक और एक हाईटेक फ्यूचर दिखाया गया है, और साथ में ही जो गरीबी भुखमरी से जो प्रॉब्लम्स आएंगी 50 साल के बाद, वैसा भी एक फ्यूचर दिखाया गया है। तो दो फेज इसमें दिखाए गए हैं और टीजर अमिताभ बच्चन के डायलॉग के साथ शुरू होता है और टाइगर श्रॉफ के डायलॉग के साथ खत्म होता है। तो टीजर देखने में काफी बढ़िया लगता है, स्टोरी को रिवील नहीं करता है, तो काफी स्मार्टली इन्होंने कट किया है। काफी सीन्स दिखाए गए हैं डायलॉग्स के साथ और काफी ग्लिम्प्स दिखाए हैं। कृति सैनन का कैरेक्टर बहुत बैडस लगता है, जैसा कि मैंने न्यूज में भी देखा था वो बहुत बैडस होने वाली है इस मूवी में, लेकिन उनके थोड़े फाइट सीन ही दिखाए गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि उनका क्या कैरेक्टर होने वाला है। अमिताभ बच्चन का लुक भी काफी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि वो काफी डिवोशन से रिलेटेड होंगे, मंदिर वगैरह का भी सीन दिखाया गया है। तो और गणपत जो कि टाइगर श्रॉफ है, उनका कुछ कनेक्शन गणपति से भी हो सकता है, या तो वो उनके अवतार होंगे या कुछ ना कुछ उनका फ्यूचर उनसे कनेक्टेड होगा। अमिताभ बच्चन है जो कि उनके सेवियर यानी कि टाइगर श्रॉफ को ढूंढते हैं, तो ये ऐसे कनेक्शन हो सकता है। बाकी तो ट्रेलर आएगा तभी हम ज्यादा डिटेल में बात कर पाएंगे। तो बॉक्सिंग का इस मूवी में काफी बड़ा रोल रहेगा, जैसे कि हमने टीजर में भी देखा है, जब टाइगर श्रॉफ फाइट कर रहे होते हैं तो एकदम से डिस्टोपियन फ्यूचर होता है और एकदम से कट टू दूसरे सीन में एकदम से हाईटेक हो जाता है। और जब भी डिस्टोपियन फ्यूचर की बात आती है तो मुझे मैड मैक्स फ्यूरी रोड और ब्लेड रनर मूवी की याद आती है। ये थोड़ा सा सिमिलर था, दोनों ही इसमें फेस दिखाए गए हैं और इतने बड़े बजट की मूवी है जिसके दो पार्ट आएंगे, तो वीएफएक्स अच्छे ही होंगे, दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं और एक्शन भी काफी ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि टाइगर श्रॉफ एक्शन अच्छा करते हैं और कीर्ति सैनन भी अब की बार एक्शन करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे मेन कंसर्न ये है कि इसकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए गणपत की एंट्री होती है, उसके साथ क्या स्टोरी को कनेक्ट करेंगे, वो अगर अच्छी नहीं होगी तो मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं कर पाएगी। और सबसे मेन बात, गणपत से एक दिन पहले विजय थालापति की लियो मूवी रिलीज होने वाली है, जिसकी काफी टाइम से हाइप चल रही है, ट्रेलर भी नहीं आया है लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा हाइप है, तो वो डेफिनेटली अच्छा बिजनेस करेगी। तो क्रिसमस में डंकी वर्सेस सालार की तरह ही 10 अक्टूबर को लियो वर्सेस गणपत होने वाला है। तो आप कमेंट करके बताएं आप दोनों में से कौन सी मूवी पहले देख के आओगे, हालांकि मूवी आगे पीछे रिलीज हो रही है तो दोनों ही देख सकते हैं हम दोनों दिन पे। तो कमेंट करके बताएं आपको टीजर कैसा लगा, जैसे ही ट्रेलर आएगा। तो बॉलीवुड में ट्रेलर के साथ काफी मूवी की स्टोरी रिवील कर देते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एनिमल और टाइगर 3 के टीजर पे बात करी गई है, मेरे चैनल पे वीडियो देखें। आज की वीडियो में इतना ही, मैं हूं अमित खुंडिया, आप देख रहे हैं मूवी रियल, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइस।